सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, आज हम नया चैप्टर सामाजिक विज्ञान में स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारा छठा चैप्टर है विनिर्माण। क्या है विनिर्माण? वीडियो नंबर 16 जारी हो रहा है इससे। अब तक 15 वीडियो जारी हो चुके हैं 5 चैप्टरों में। चैप्टर छठा विनिर्माण उद्योग। अब देखो विनिर्माण उद्योग, उद्योगों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। हमारे देश के जो उद्योग हैं, चाहे वो कच्चे माल से संबंधित उद्योग हो, स्वामित्व के आधार पर उद्योग हो, अब उद्योग जानते हो चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, लोह उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इस तमाम उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कराने से पहले आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उससे आप को समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो विनिर्माण उद्योग कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। समझ रहे हो क्या? मैं आगे बदलूंगा, जब कहोगे विनिर्माण सर कि विनिर्माण मतलब किसी चीज का पुनः निर्माण करना हो, विनिर्माण कहलाता है। पुनः उसको उत्पन्न किया जा सकता हो, कच्ची वस्तु और उसको पका के तैयार कर दिया गया, वो भी विनिर्माण होगा, ठीक है ना। और हमारे पास अर्थशास्त्र है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट, इतिहास से संबंधित, राजनीतिक यानी लोकतंत्र से संबंधित, भूगोल से संबंधित जो चैप्टर चल ही रहे हैं आपके, ये छठा चैप्टर चल रहा है। इसके बाद एक चैप्टर और शेष रहेगा भूगोल में और एक किताब है अर्थशास्त्र की, उसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ रहा हूँ, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्लियर? विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। अब देखो मैं उद्योगों का वर्गीकरण करूं, उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कह रहे हैं, 3 क्षेत्रों को भी विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थव्यवस्था क्षेत्र, इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसको हमें कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा द्वितीय क्षेत्र और इसे हम विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं और हम उद्योगों को पढ़ने जाएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र
और इसको हमें सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तीन क्षेत्रों को में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब सबसे बात पढ़ी होती है, हम जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तभी क्षेत्र पढ़ने मिलेंगे। जब अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे तो हमको अर्थशास्त्र के अंदर ये क्षेत्र पढ़ने को मिलेंगे। मैं इनको समझा रहा हूँ केवल उद्योगों को समझने के लिए। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो हमारे प्रथम होते हैं, प्रकृति से हमको सीधे सीधे प्राप्त होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। जो चीजें जो वस्तुएं हमको प्रकृति से सीधे सीधे प्राप्त हो कौन से क्षेत्र में आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे कृषि प्रकृति से प्राप्त होती है हमको, चाहे कृषि का कोई भी अनाज हो, कोई भी खाद्य वस्तु, पेय वस्तु, वाणिज्य वस्तु, हमें किसे प्राप्त हो रही है, प्रकृति से प्राप्त हो रही है, प्रकृति से उत्पन्न की जा रही है, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे। जो प्रकृति से सीधा सीधा हमें प्राप्त हो प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र जैसे हम कपास, प्राथमिक क्षेत्र में उदाहरण ले लिया जैसे गेहूं है, कपास हमें प्रकृति से सीधे सीधे प्राप्त हो रहे हैं। गेहूं और कपास प्रकृति में बोते हैं हम और उनसे हम उत्पन्न हो जाते हैं, गेहूं और कपास हो जाते हैं हम। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं या उद्योग क्षेत्र कहते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र वो होते हैं जहां बनी हुई वस्तुओं को दोबारा बनाया जाए, यानी जैसे हमारे पास कपास, जैसे हमारे पास कपास गेहूं है, गन्ना है, क्या है, गन्ना है, गेहूं है, कपास है, गन्ना है, हमने प्रकृति से प्राप्त किए हैं उनको। हम द्वितीय क्षेत्र में हमें गेहूं का आटा बनाएंगे, मैदा बना के और उसके बिस्कुट तैयार करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। कपास है, कपास का हम धागा बनाएंगे और वस्त्र तैयार करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। गन्ना है, गन्ने से हम चीनी बनाएंगे, गन्ने से हम क्या बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। उद्योग क्षेत्र यानी ये मशीनें लगी हुई है, उद्योग क्षेत्र इसलिए कहेंगे द्वितीय क्षेत्र को कि मशीनें हैं, मशीनों के द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो मैं जैसे यहां लिखूं, जैसे जैसे आपको ढंग से दिख नहीं रहा ना, अब मैं ले रहा हूं दूसरे क्षेत्र, जैसे कपास से धागा बनाकर वस्त्र तैयार करना, कौन से क्षेत्र में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, इसमें आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। और गन्ने से चीनी बनाना, ये भी कौन से क्षेत्र में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है ना, मैंने उदाहरण बताया आपको कि हमारे पास जो भी प्रकृति से प्राप्त होती है जो वस्तु, चाहे वो गेहूं हो, कपास हो, गन्ना हो, और उस प्रकृति से प्राप्त वस्तु को हम उद्योगों में ले जाके उसका पुनर्निर्माण करें, और निर्माण करने के बाद हमको कपास से धागा बनकर वस्त्र तैयार हो, कपास से धागा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये कौन सा सेक्टर हो गया, द्वितीय सेक्टर हो गया। इसलिए द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं या उद्योग कहते हैं, उद्योग क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, निर्माण उद्योग क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ वस्तुओं को पुनः तैयार किया जा रहा है। चक्र भी निर्माण उद्योग
ठीक है ना, जब उन्हें निर्माण किया जाए कच्चे पदार्थ को मूल्यवान कर उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को भी निर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। कच्चा पदार्थ हमारे पास क्या था, कपास था, हमारे पास गन्ना था, हमारे पास गेहूं था, इनको हम परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन करके दोबारा तैयार कर रहे हैं। मूल रूप दे रहे हैं कि गेहूं का मैंने कहा आटा बनाया, बारीक मैदा की पिसाई गई और बिस्कुट तैयार कर लिए। कपास था, कपास का हमने धागा बनाया और वस्त्र तैयार कर लिए। गन्ना था, गन्ने को हम उद्योगों में ले गए और गन्ने का चीनी तैयार कर लिया, चीनी खांड साड़ी ये तमाम चीजें हम तैयार कर लिए। तो इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र है और एक है तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र वो होते हैं जहां इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसमें आपने जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये क्या है? तृतीय क्षेत्र। क्या है? तृतीय क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र इसमें कहते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इससे माल का आदान प्रदान, यानी प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र में जो माल का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अब कैसे होगा? देखो, हमारे पास कपास था, कपास को हम वाहनों के द्वारा खा ले जाएंगे, उद्योगों में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? उद्योगों में ले जाएंगे, वाहनों के द्वारा ले जाएंगे। जब ले जाएंगे, संचार के माध्यम से आज हम बातचीत करते हैं, पहले फोन करके कहाँ क्या आदेश देना है, किस पार्टी से मंगवाना है, इसको माल भेजना है। बैंकिंग, पैसे का आदान प्रदान करते हैं हमारे मुद्रा का, तो बैंक की सेवा भी इसमें काम में आएगी, बैंक से हम उस पार्टी को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब द्वितीय क्षेत्र माल आ गया, द्वितीय क्षेत्र से माल को पुनः हम प्राथमिक क्षेत्र में भेजेंगे, क्योंकि लोग तो यही रहते हैं जो उत्पन्न करके दे रहे हैं वही तो यूज में लेंगे। अभी कपास बोने वाला है, कपास पैदा करने वाला है, जो व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनेगा, वो व्यक्ति के चीनी नहीं खाएगा, वो व्यक्ति के बिस्कुट नहीं खाएगा, खाएगा तो फिर वो वस्तु यहाँ तैयार होकर पुणे आ जाएगी प्राथमिक क्षेत्र में, तो क्या काम आएगा? परिवहन काम आएगा, हमारे जो भी परिवहन ले जाने के सहायक हैं, चाहे रेलगाड़ी हो, ट्रक, जो भी साधन है माल का आदान प्रदान करने के, वो काम आएंगे। संचार काम आएगा बातचीत करने के लिए, बैंकिंग पैसे का आदान प्रदान करने के लिए काम आएगा। तो ये तृतीय क्षेत्र। तो मैंने बताया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इनमें तीन क्षेत्र दे रखे हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र। नाम याद रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, वही द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तुएं आती हैं उसमें मुख्य रूप से कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है, कृषि आती है इसलिए कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन आता है, क्या आता है? मत्स्य पालन, डेयरी आती है, क्या आती है? डेयरी आती है। तो ये मछली पालन वो भी इसी में आएगा, डेयरी इसी में आएगी, दूध का आदान प्रदान, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, कौन से क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कौन से क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। उन्हें देखो, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएंगे? कृषि आएगी, कृषि में गेहूं, कपास, गन्ना, ये फसलों के बारे में मैंने बताया, कच्चा माल है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन इसमें आएगा और डेयरी भी इसी में आएगी। द्वितीय क्षेत्र है जिसका मैंने नाम बताया कि उसको अन्य नामों से कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर जैसे कपास से धागा तैयार करना, वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी तैयार करना,
ये किसमें आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तो ये कुल मिला के कंपनी से संबंधित उद्योगों से संबंधित है कि कच्चा माल उद्योगों में भेजा जाएगा और उद्योगों द्वारा उसको पक्का तैयार करके पुनः निर्माण करके और कहाँ भेजा जाएगा, जनता के पास भेजा जाएगा। वही कहा था कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहेंगे। अब तृतीय क्षेत्र में जैसे क्या आएंगे, परिवहन आएगा, संचार आएगा, बैंकिंग आएगा। तो ये सेवा देने के क्षेत्र हैं, परिवहन सेवा दे रही है, बैंकिंग सेवा दे रही है, संचार सेवा दे रहा है, तो ये सेवा क्षेत्र कहलाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र गए और ये पूरी तरीके से भारत की रीढ़ की हड्डी। प्राथमिक क्षेत्र अगर नहीं हो तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। प्राथमिक क्षेत्र अगर नहीं हो, प्राथमिक क्षेत्र नहीं है तो द्वितीय क्षेत्र की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो चीजें उत्पन्न की जा रही है, पैदा की जा रही है, वही तो द्वितीय क्षेत्र को चला रही है। अगर भारत में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसा है कृषि प्रधान देश है, पिछले वीडियो में बात की, और भारत एक रीढ़ की हड्डी क्या है, कृषि, ठीक है ना। कृषि पर भारत निर्भर है, अधिकतर भारत कृषि पर निर्भर है। अगर हमारा प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि कमजोर होगी, अगर ये सेक्टर नहीं होगा कृषि सेक्टर, तो द्वितीय क्षेत्र कैसे चलेगा, क्योंकि यही तो माल यहाँ पहुंचना है, विनिर्माण उद्योग उद्योगों के अंदर यही तो माल पहुंचेगा। जब ये माल पैदा ही नहीं होगा, क्षेत्र ही नहीं होगा, तो द्वितीय क्षेत्र ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब द्वितीय क्षेत्र नहीं होगा, प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा, तो तृतीय क्षेत्र की जरूरत तक पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना, क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन सारी चीजों को ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्र है तो ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र चलेंगे। वर्तमान में सेवा क्षेत्र सबसे तीव्र गति से चल रहा है, पर ये निर्भर किस पर है, प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। यानी हमारे जितने भी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था की भारत में रीढ़ है वो कृषि है, और इस कृषि के माध्यम से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को चलाया जा रहा है। अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। डायरेक्टली बात करें तो अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वैसे तो देश तो कृषि पर निर्भर है। तो मैंने ये आपको प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बारे में बताया। अब हम इनके बाद बात करेंगे विनिर्माण उद्योग और जो उद्योगों का वर्गीकरण, इसके बाद क्या बात करेंगे, उद्योगों के वर्गीकरण की बात करेंगे कि उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। अब जैसे कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो कृषि है, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर अध्ययन करेंगे, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट कल करेंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया, पढ़ाई तो कम की और समय ज्यादा हो गया, इसलिए कल के वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।